अरे सभी बेटा बेटा कम से कम बताओ तो सही, तो मना क्या रही हो? काड़ा भी। काड़ा? मगर किसके लिए? इशांत सर, उनकी तबीयत ठीक नहीं। सॉरी, वो मेडिकल विंग के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इतना ज्यादा कोल्ड कैसे हो गया तुम्हें अचानक से? मेरी वजह से। वो कल रात को मैं शांसा की गाड़ी में लॉक हो गई थी। रात भर बहुत घुटन हुई, डर लग रहा था, इसलिए अशांत सर पूरी रात गाड़ी के बाहर तेज बारिश में खड़े रहे। मैंने उनसे कहा था कि आप शेल्टर के नीचे चले जाइए, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं मेरी बात, मुझे छोड़कर गए नहीं। ईशान, तुम पूरी रात बारिश में भीग रहे थे? ईशान सर, काढ़ा लेकर आई हूँ, मैंने बनाया आपके लिए, आप पी लीजिए ना। गरम गरम काढ़ा पियेंगे ना आप तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। पीजिए ना सर। ईशान ने मुझे बताया तक नहीं कि कल रात ये सब हुआ। सभी के लिए रात भर बारिश में भीगता रहा ये। ये काढ़ा बनाने में तुम्हें कितना टाइम लगा? आधा घंटा। क्यों? आधा घंटा और कैंटीन से इसे यहाँ पे लाने में 10 मिनट, मतलब टोटल 40 मिनट। इन 40 मिनटों में तुम आने वाले प्रीलिम्स के एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकती थी। 10 मिनट हो चुके हैं तुम्हारे लेक्चर को शुरू होते हुए, लेकिन तुमने वो लेक्चर मिस कर दिया इस काढ़ा बनाने के चक्कर में। क्या टाइम पास चल रहा है सभी? टाइम पास नहीं कर रही सर, आपके लिए काढ़ा बना। मैं दवाई खा लेता सभी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना लेक्चर मिस करने की जरूरत नहीं थी। सुबह गाड़ी से उतरते वक्त तुमने क्या कहा था? स्टेशनरी लेनी है तुम्हें और तुम आइसक्रीम खा रही थी वहां बैठकर। हाँ, स्टेशनरी खरीदते खरीदते आइसक्रीम खा रही थी। ऐसे राइटिंग में तुमने अपनी परफॉर्मेंस देखी? ऐसे प्रीलिम्स के एग्जाम्स तुम कैसे दोगी? तुम मुझे बताओ कितना ही टाइम बचा हुआ है, प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाओ सभी, वरना तुम अपना सपना पूरा नहीं कर पाओगे। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू। ओके, चलो जाओ, जाके लेक्चर अटेंड करो। चाहता हूं कि उसकी परछाई भी इस घर पे पड़े। समझ रहा तुला?